हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आप इस चैनल पर ई सी एल ई के। और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉन्ट टू, कुछ मॉडल सेंटेंस पढ़ेंगे जो वॉन्ट टू की सीरीज रहती है। इस वीक में आज हम कंप्लीट करेंगे। आज मंगलवार है, मंडे और संडे और बहुत सारे तीन चार दिनों में मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाया, आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और लेकिन साथ ही हम इस सेशन में नया स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है वन टू स्पोकन की पर्पज से। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू एंड मोस्टली पीपल यूज़ ऑलवेज वॉन्ट टू हैव। एंड इसलिए स्पोकन की पर्पज से हम क्या पढ़ेंगे, हम वॉन्ट टू पढ़ेंगे। वॉन्ट टू क्या रहते हैं, वॉन्ट टू किसी रहती है वॉन्ट टू, ठीक है, वॉन्ट टू बी और वॉन्ट टू हैव। ओके, तो तीन प्रकार के रहते हैं। कौन रहते हैं, वॉन्ट टू बी एंड वॉन्ट टू हैव। ओके, सो इसका मतलब, तीनों का मतलब होता है चाहता है का मतलब होता है, लेकिन सबका सेंस अलग अलग है, वॉन्ट टू बी और वॉन्ट टू हैव। लेकिन इनमें से हम केवल और केवल आज की क्लास में हम वॉन्ट टू करेंगे, वॉन्ट टू की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वॉन्ट टू बी पढ़ेंगे, उसके बाद वॉन्ट टू हैव, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूजन, माफ करना, थोड़ा सा मुझे सर्दी है तो आप समझ सके, एडजस्ट कर सकते हैं। तो वॉन्ट टू बी एंड वॉन्ट टू हैव करेंगे। ओके, सो हम इसको हटाते हैं पहले तो, और हम पहले पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे वॉन्ट टू। अगर मैं बात करूं कि वॉन्ट टू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, यूज़फुल मेरा मतलब है कि आप सुनते रहते हैं ज़्यादातर वॉन्ट टू सेंटेंस के, मैं वॉन्ट टू में यह करना चाहता हूँ, भाई वह करना चाहती है। इसका हिंदी मतलब रहता है चाहता है, क्या मतलब रहता है चाहता है, क्या मतलब रहता है इसका चाहता है, चाहती है, चाहती है, क्या मतलब होता है चाहता है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, सॉरी मैं ठीक कर दिया, और भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखना इसका जो क्या रहता है, इसकी जो पहचान रहती है क्या रहती है, चाहता है, चाहते हैं और चाहते है, इसकी क्या रहती है पहचान रखती है, आपको याद रखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वॉन्ट टू को, पहचान में हमने देख ली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक जो मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, जो इंट्रोडक्शन क्लास में हमेशा बोलता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। पूरा कोर्स है इंग्लिश स्पोकन का आपके लिए, कैसा कला कैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ई सी एल ई से हम कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम टेलीग्राम चैनल से हम जुड़ सकते हैं, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो। ओके, सो थोड़ा सा हम करते हैं। ओके, थोड़ा सा माफ़ करना, मेरी थोड़ी सी सर्दी सी शिकायत सी लग रही है थोड़ी सी, इसलिए आवाज़ मेरी चेंज हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से पढ़ाने का। ओके, सो वॉन्ट टू में पहचान देख लें, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो हम देखते हैं कुछ, हम सेंटेंस देखते हैं पहले। ओके, ध्यान कर रहा है ना आपका बोर्ड पर। ओके, सेंटेंस हम देखते हैं, फर्स्ट है जैसे वह पढ़ना चाहती है, हम खेलना चाहते हैं, ठीक है, शिवानी लिखना चाहती है, बोल सकते हैं वे घर आना चाहते हैं। ओके, तुम हंसना चाहते हो, बोल सकते हैं मैं दौड़ना चाहता हूँ। ओके, तो सेंटेंस देखिए, वह लिखना चाहती है, हम खेलना चाहते हैं, शिवानी लिखना चाहती है, वे घर आना चाहते हैं, तुम हंसना चाहते हो, मैं दौड़ना चाहता हूँ। तो आपने फोकस किया होगा कि सम में क्या है, क्रिया है, आना, लिखना, खेलना, पढ़ना। ओके, तो पहचान ये है कि क्रिया के साथ में अगर क्या हो, चाहता है, चाहती है, चाहती आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम कह सकते हैं, या फिर हम
क्रिया के साथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्लस क्रिया। ओके, तो अगर क्रिया के साथ अगर चाहता है, चाहती है, चाहती आए, तो हम किससे बनाएंगे, वॉन्ट टू से हम सेंटेंस को हम बना लेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। ओके, लंबी हो सकती है, कंफर्म नहीं रहती मेरी क्लास तो, क्योंकि मेरा मूड है जब तक मुझे पढ़ाना हो कितना हो लंबा हो जाए। ओके, सो वन टू है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अपन डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर जाते हैं, मिलना कोई देर की है। ओके, तो स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले देख लो कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहता है, फर्स्ट वाला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड्स क्या बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड्स प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि मिटाना तो पड़ता ही है। ओके, तो हम नीचे लिखते हैं। ओके, तो यह किससे लिखें, ए होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड्स, आई होप इट विल क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या है, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ध्यान देखना कि हमें बॉन्ड और बॉन्ड्स में कहाँ लगाना है, तो जिस हमने आपको अगर याद होगा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया था कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम ऐसा ही इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे इसमें है कि ही सी इट और प्लूरल के साथ, ही सी इट सॉरी सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम बॉन्ड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बॉन्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ लिख दें क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ही शी और इट और सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ बॉन्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी बॉन्ड्स लगाएंगे, बॉन्ड्स ओके लगाएंगे, ओके बॉन्ड्स का यूज़ करेंगे, और बाकी क्या है, आई वी दे और यू, आई वी दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम बॉन्ड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बॉन्ड का, यहाँ कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ हम करेंगे बॉन्ड का यूज़ करेंगे, यहाँ नीचे लिख दे रहा है। ओके, आपको क्लियर होगा, तो ही सी इट साथ हम बॉन्ड्स लगाएंगे, आई वी दे यू तथा प्लूरल, प्लूरल नाउन हो, जो प्लूरल हो, आई वी दे यू दोस्त के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम बॉन्ड का यूज़ करेंगे, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सेकंड स्ट्रक्चर पर जाते हैं, नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस, ध्यान रखना प्लस बॉन्ड, प्लस बॉन्ड, यहाँ मैं टू लिखना भूल गया, यहाँ कहाँ कर दूँ मैं, यहाँ फिर से लिख दूँ, प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देखो, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद बॉन्ड से लगाया था हमने, तो यहाँ से हम बॉन्ड बस अकेले लगाना है, क्या लगाना है, बस बॉन्ड, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक डज प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। तो वही है सिंपल, कि हमने हम क्या पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, अगर क्लास आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना, ध्यान से देख लेना। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन इसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आइकन रहता है ना वो वाला, वो ऐसे स्लाइड वाला आइकन, उसमें मैं दे दूंगा। ओके, तो जो डू ऑब्लिक डज रहता है, तो मैंने बताया था कि अगर ये सीधी सी फॉर्म है कि ही सी इट हो, ही सी इट प्लूरल हो सॉरी सिंगुलर हो, तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और आई वी दे यू या अदर हो, तो हम क्या लगाएंगे, हम डू का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आई होप इट विल बी सिंपल फॉर यू। तो आपको याद रखना है, क्योंकि मेरी जो क्लासेस रहती है, जो एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं, रिलेटेड रहती हैं। ओके, तो अगर आपने पिछली क्लास अगर आपकी क्लियर होगी, तो यह क्लास का आपको जरूर समझ में आएगा, अब जरूर आप उसके सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। ओके, सो अच्छे समझ आना, बिल्कुल बहुत बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की। ओके, फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड। अब कुछ नहीं करना, वो तो मैंने बता दिया था ना, छह स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, वैसे कि वैसे हम छह स्ट्रक्चर को हम नीचे उतार देते हैं, मतलब बना देते हैं, कुछ नहीं करना है। डू ऑब्लिक डज पता ही सब वैसे ही रहेगा। ओके, ऐसे ही कौन सा बनाएंगे, फोर्थ वाला बनाएंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बॉन्ड टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म, वन टू हो गया, बॉन्ड प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके,
मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, ना कि रटवाना। ओके, कुछ कुछ ऐसे थे कि जो हम सोचते हैं हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन अगर हम उसको बनाना सीख जाएंगे ना तो बहुत अच्छे रहते हैं। आप किसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज़ डिपेंड योर माइंड, आप कितना सोच पाते हैं, तो आपकी कुछ दिमाग के ऊपर भी निर्भर करता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला डू ऑब्लिक डज, जैसा हम सदियों से सेंटेंस बनाते आए हैं, करोड़ों सालों से, हम वैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसे मैं बताता हूँ। ओके, तो बॉन्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ओके, पर रखना क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ओके, प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। क्या है आपका ये स्ट्रक्चर है? ओके, छह स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, ये आपके लिए क्लियर होगा स्ट्रक्चर। मैं एक बार रिपीट कर दूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड्स, बॉन्ड और बॉन्ड्स कहाँ लगेगा, बॉन्ड्स कहाँ लगेगा, ही सी एट, आपको पता ही है वैसा वाला, ही सी एट के साथ, सिंगुलर के साथ, किसी के नाम के साथ, ठीक है, क्या लगाएंगे, बॉन्ड्स लगाएंगे। और बॉन्ड किस में आएगा, आई विद यू और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे हम, बॉन्ड का यूज हम करेंगे। तो आई होप इट विल बी क्लियर फॉलो, मुझे आशा है कि आपके लिए क्लियर होगा। डू और डू और डज कहाँ लगाएंगे, ही सी एट के साथ, ही सी एट सिंगुलर के साथ, किसी नाम के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डू आई विद यू के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ओके, तो आई होप यह आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और यदि आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपके आगे बढ़ सकूं। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो कोशिश करना कि आप ग्रुप में भी डाल दिया करो ECLE के। ओके, और आपको पता ही है कि मैं ECLE का जो फेसबुक पेज है उस पर भी मैं आ गया हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब मुझे मतलब ECLE के चैनल को। ओके, तो यह आपके लिए क्लियर होगा होगा। अब मैं आपको सेंटेंस बनाने पे आता हूँ, हमें सेंटेंस आकर हमें बनाने कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारा सीखना क्या रहता है, बेकार रहता है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इत्मीनान से देखना, ठीक है, ये मत सोचना मुझसे बन जाता, हो सकता है कुछ आपके लिए मैं नया लाया हूँ, या कुछ इस वीडियो से कुछ नया सीखो, कुछ अगर भूल गया, अगर किसी को अगर पहले से पता हो, अगर ये सोचते हैं ना अरे ये तो मुझे बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर मतलब कोई भी हो, ठीक है, तो वह पढ़ना चाहती है, पहला बना वह पढ़ना चाहती है। ओके, वह पढ़ना चाहती है, क्या बनाएंगे, वह पढ़ना चाहती है, क्या बनाएंगे, वह पढ़ना चाहती है, तो शी क्या आएगा, शी चाहती है ना, गर्ल्स का फॉर्म है शी। ओके, वॉन्ट्स हमने बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना, अभी ही शी इट के साथ क्या लगेंगे, एस के वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, बहुत आसान है, बहुत आसान, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, कितना आसान है, बिल्कुल आप बना सकते हैं, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। ओके, नेगेटिव बनाओ, वह पढ़ना नहीं चाहती है, छह प्रकार के सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं वैसे, वह पढ़ना नहीं चाहती है, वह पढ़ना नहीं चाहती है, हम कैसे बनाएंगे, शी डज, अब डज क्यों लगाया, मैंने बताया था ही शी एट के साथ डज, शी डज नॉट, शी डज नॉट, वो एस में वॉन्ट्स में एस हटा देंगे, शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी, शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट आई कंसीडर इन दिस वीडियो, कि आपके लिए बॉन्ड्स और बॉन्ड्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अभी तो लगा आसान होगा, लेकिन बॉन्ड बॉन्ड टू वॉन्ट टू भी पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा सेंटेंस बनाने में, क्योंकि आई है प्रैक्टिकल, मैं स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, तो वो बॉन्ड और बॉन्ड टू में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ को। ओके, ऐसे बनाओ इंटीग्रेटिव, क्या वह, क्या वह पढ़ना चाहती है, क्या वह पढ़ना चाहती है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या वह पढ़ना चाहती है, बनाओ, डज शी वॉन्ट टू स्टडी, बनाओ एक और, क्या वह पढ़ना नहीं चाहती है, क्या वह पढ़ना नहीं चाहती है, क्या वह पढ़ना नहीं चाहती है, क्या बनाएंगे, डज शी नॉट Want to study? Does she not want to study? अब वहाँ वह
कहाँ पढ़ना चाहती है, कैसे पढ़ना चाहती है, कब तक पढ़ना चाहती है, किस किधर पढ़ना चाहती है, बन सकते हैं, किस लिए पढ़ना चाहते हैं, किस जगह पर पढ़ना चाहती है, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वह कहाँ पढ़ना चाहती है, वह कहाँ पढ़ना चाहती है, ओके क्वेश्चन वर्ड में, ओके क्या आएगा, वेयर डज शी वॉन्ट टू स्टडी, वेयर डज शी वॉन्ट टू स्टडी, वह कहाँ नहीं पढ़ना चाहती है, वह कहाँ नहीं पढ़ना चाहती है। बना लेते हो, बना लो, थोड़ा पहले ये दिक्कत करने, इंक इसकी दिक्कत हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, बनाओ, वेयर डज शी नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक बार अपन क्रॉस चेक कर लें, कहीं गलती तो नहीं है, ओके तो देखो वह पढ़ना चाहती है, क्या बनाएंगे, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी, क्या वह पढ़ना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू स्टडी, क्या वह पढ़ना नहीं चाहती है, डज शी नॉट वॉन्ट टू स्टडी, वह कहाँ पढ़ना चाहती है, वेयर डज शी वॉन्ट टू स्टडी, वह कहाँ नहीं पढ़ना चाहती है, वेयर डज शी नॉट वॉन्ट टू स्टडी। ऐसे ही हमें सेंटेंस को हमें बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे, इट इज़ डिपेंड यू, आप जितना सेंटेंस बना लोगे आप उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आप कभी नहीं भूलोगे, आपको स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हम खेलना चाहते हैं, ओके वी है, वी के साथ लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या आएगा, वी वॉन्ट टू प्ले, हम खेलना नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, क्या हम खेलना चाहते हैं, डू वी वॉन्ट टू प्ले, क्या हम खेलना नहीं चाहते हैं, डू वी नॉट वॉन्ट टू प्ले, हम किसकी तरह खेलना चाहते हैं, एवर बीइंग होम, डू वी वॉन्ट टू प्ले, हम किसकी तरह खेलना नहीं चाहते हैं, एवर बीइंग होम, डू वी नॉट वॉन्ट टू प्ले, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस है, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो अगर 6 सेंटेंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं, ओके आप भूलोगे नहीं, तो मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे शिवानी लिखना चाहती, शिवानी लड़की है, ओके तो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल आएगा, क्योंकि सिंगुलर ना एक लड़की है ना, तो शिवानी लिखना चाहती है, शिवानी वॉन्ट्स टू राइट, शिवानी लिखना नहीं चाहती है, शिवानी डज नॉट वॉन्ट टू राइट, वॉन्ट लगाए मैं वॉन्ट, क्या शिवानी लिखना चाहती है, डज शिवानी वॉन्ट टू राइट, क्या शिवानी लिखना नहीं चाहती है, डज शिवानी नॉट वॉन्ट टू राइट, शिवानी लिखना कैसे चाहती है, हाउ डज शिवानी वॉन्ट टू राइट, शिवानी लिखना कैसे नहीं चाहती है, हाउ डज शिवानी नॉट वॉन्ट टू राइट, ऐसा हम बना सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं। तुम हंसना चाहते हो, तुम चले वाला बनाओ, वे घर आना चाहते हैं, वे घर आना चाहते हैं, प्रैक्टिस करनी है, वे घर आना चाहते हैं, क्या बनाएंगे, दे वॉन्ट टू कम होम, वे घर आना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू कम होम, क्या वे घर आना चाहते हैं, डू वे वॉन्ट टू कम होम, क्या वे घर आना नहीं चाहते हैं, डू दे नॉट वॉन्ट टू कम होम, वे घर क्यों आना चाहते हैं, क्यों मना क्यों आना चाहते हैं, कुछ कारण होगा, तो वाई डू दे वॉन्ट टू कम, वे घर क्यों आना नहीं चाहते हैं, वाई डू दे नॉट वॉन्ट टू कम, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। तुम हंसना चाहते हो, यू वॉन्ट टू लाफ, तुम हंसना नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वॉन्ट टू लाफ, क्या तुम हंसना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लाफ, क्या तुम हंसना नहीं चाहते, डू यू नॉट वॉन्ट टू लाफ, तुम हंसना कैसे चाहते हो, चलो अलग चलो, तुम हंसना क्यों चाहते हो, तो वाई डू यू वॉन्ट टू लाफ, तुम हंसना क्यों नहीं चाहते हो, वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू लाफ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू रन, क्या मैं दौड़ना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू रन, क्या मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ, डू आई नॉट वॉन्ट टू रन, मैं कब दौड़ना चाहता हूँ, तो वैन डू आई वॉन्ट टू रन, मैं कब दौड़ना नहीं चाहता हूँ, वैन डू आई नॉट वॉन्ट टू रन, ऐसी आप फटाक से चुटकियों में आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको असली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप कह सकते हो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैंने बोला था ना आपको पता नहीं चलेगा, मुझे आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप अंग्रेजी सीख गए हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, ओके तो ये वॉन्ट टू की क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो नहीं देखी इसीलिए कि लास्ट तक देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि अगर आप इसको समझना आए क्लास को तो कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल टेंशन नहीं पालना अपने दिमाग में। आप मेरा अनुरोध है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास से देखो 30 से 35 वीडियो, आप 2 महीने में फटाक से कवर कर ले जाओगे। और यदि हाँ, अगर आप स्पोकन के पर्पज से भी नहीं पढ़ रहे तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप इन सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हो वॉन्ट वाले सेंटेंस बीच में से ही सीखना चाहते हो, तो अगर आप समझ पाएँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास, मेरा अनुरोध है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लास आप जरूर देख लें, तो आप ऐसी क्लास को आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसी क्लास को आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था ना कि क्लास एक दूसरे क्या रहती है, कॉम्बिनेशन रहती है, जुड़ी हुई रहती है। जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो वह पहले से भी रिलेट करेगा, ठीक है, तो आप आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। यदि आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ईशैली का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। और यदि आपने फेसबुक पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फेसबुक पर मैं लाइव पढ़ाने का प्रयास करूँ, अगर स्टूडेंट आएंगे तो वहाँ पर हम लाइव सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ यूनिक सीखेंगे। तो वो तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग है, जब होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, यदि आप लगातार ईसीएलई की वीडियो देख रहे हैं और हाँ आपको लगता है कि यह मेरे लिए हेल्पफुल है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हो सकता है दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो, मतलब अपने रिलेटिव में भी हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर सकते हैं आप वीडियो की, ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा तक पहुँच सके, ज्ञान का हो स्प्रेड हो सके, ज्ञान पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं बुधवार को, वेडनेसडे को। ओके, अपना खूब ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।